प्रभाव है। हेलीकॉप्टर अब सरयू मैया और राम की पैड़ी की ओर जाएंगे। वहीं पर संपूर्ण भारत और संसार के मीडिया कर्मी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स सब वहीं पर एकत्रित हैं।
प्राण प्रतिष्ठा की सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं और ये भव्य विधि विधान के साथ प्राण प्रतिष्ठा का जो पूरा अनुष्ठान है वो चल रहा है इस समय। और रामलला की जो मूर्ति है वो भी अब आप देख सकते हैं, उनकी आंखों पर अभी तक जो पट्टी थी वो भी हटा दी गई है। तो इस तरह से जो विग्रह स्वरूप उनका था उसके बाद अब वे देवता स्वरूप में विराजमान हो गए हैं, यानी अब उनकी पूजा पाठ अर्चना ये सब कार्यक्रम जो उनका होता है वो शुरू हो जाएगा इसी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के साथ। प्रोफेसर मखनलाल हमारे साथ बने हुए हैं, हिस्टोरियन, लेकिन आपके पास आने से पहले थोड़ी सी प्रतिमा के बारे में बात कर लें। मूर्ति जो भगवान की बनाई है ये बेहद खास मूर्ति है, अरुण योगीराज ने बनाई है और इसमें भगवान विष्णु के जो उनके समेत जो 10 अवतार हैं उनका भी चित्रण इसमें साथ में किया गया है। और इसलिए आप साथ में जो एक आर्क देख रहे हैं, आर्क जो है वो इसीलिए बनाई क्योंकि उसमें जो है भगवान का अलग अलग स्वरूप उसका चित्रांकन किया गया है, जिसमें उनके जितने अवतार हैं भगवान विष्णु के, इसमें कि वराह है, नरसिंह है, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और यहाँ तक कि कल्कि, ये सारे अवतार इसमें इनका चित्रण किया गया है। बगल में उनके जो नीचे है चरणों में हनुमान जी और गरुड़ जी भी विराजमान हैं और इसके साथ साथ मस्तक के पास सूर्य, स्वस्तिक, ओम, गदा और चक्र ये तराशे गए हैं। तो ये पूरा जो वास्तु है इस मूर्ति का ये अपने आप में भी एक बहुत ही सोच समझ करके बनाया गया है कि भगवान विष्णु के सारे अवतार एक साथ एक जगह पर। और चूंकि रामलला की इस तरह से कोई अपने में अकेले मूर्ति नहीं थी तो शायद मुझे लगता है कि इसीलिए उनको भी कई तरह की स्वतंत्रता मिली है अपने हिसाब से चित्रण करने की। इसके पहले कोई ऐसी मूर्ति नहीं बनाई गई थी जिसको उदाहरण स्वरूप लिया जाए। और इसमें भगवान राम विष्णु के सातवें अवतार हैं, आठवें आपने बताया कृष्ण है, नौवें भगवान बुद्ध हैं। तो पूरे सभी जितने विष्णु के अवतार हैं समग्र रूप से भगवान राम के साथ दिखा दिए गए हैं। तो एक तरह से भगवान राम का पूरा सारे जो अवतार थे उनके साथ उनका जुड़ाव हो जाता है। और शायद नीचे दिखाई दे रही है हनुमान जी और लोगों की भी मूर्तियाँ हैं गरुड़ की। और मैं जो बात एक कह रहा था, आपने पूछा था सोमनाथ और अयोध्या की साम्यता, मैंने जो बताया था पब्लिक पार्टिसिपेशन, ये सब एक चीज़ जो भारत के लिए बहुत गौरव की बात है, सोमनाथ मंदिर जीर्णोद्धार का पहला एग्जाम्पल था। पुराना मंदिर तोड़ा गया था, जीर्ण चिन्ह था, ये भी भगवान राम का कोई नया मंदिर मत मान के चलिए, अच्छा ये जीर्णोद्धार है, मंदिर वहाँ हमेशा से था, अनंत काल से मंदिर था। तो एक तरह से ये नया मंदिर नहीं है, मंदिर का ही जीर्णोद्धार किया गया है।